कोरोना वायरस से मोबाइल व्यापार वापी में भी भारी संकट पैदा कर रहा है। चीन द्वारा मोबाइल के एक्सेसरीज बड़ी संख्या में आयात किया जाता है, जो कि अभी बंद है। चीन में महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने विश्व में स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करने के अलावा व्यापार धंधे पर भी गहरी चोट पहुंचाई है। इस बीमारी के बाद चीन में आयात सामानों पर भी रोक लगा देने से मोबाइल कारोबार प्रभावित हुआ है। आगामी 15 से 20 दिनों तक यही हालत रहे तो मोबाइल के छोटे व्यापारी को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ सकती हैं। वापी मोबाइल के सामान बेचने वाली करीब 30 से ज़्यादा होलसेल दुकानें हैं। इसमें ज़्यादातर व्यापारियों ने माना है कि कोरोना वायरस के कारण व्यापारिक दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। व्यापारियों के अनुसार चीन से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से जुड़े व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीन के लिए भारत सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है। मोबाइल के ग्लास, डिस्प्ले, पार्ट्स, एक्सेसरी समेत कई चीज़ें चीन से मुंबई और वहां से वापी सहित अन्य जगहों पर पहुंचाई जाती है। वापी के व्यापारियों ने बताया कि इस बीमारी के बाद से चीन से मोबाइल के पार्ट्स सहित अन्य चीज़ें नहीं आ रही। मुंबई के बड़े व्यापारियों द्वारा स्टॉक में रखा गया सामान 20 से 40% ज़्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। इनमें से कई ज़रूरत वस्तु ज़्यादा दाम देने पर भी नहीं मिल रही। इसके कारण धंधा 50% से नीचे आ चुका है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा माल आना बंद हो गया है और मुंबई में माल का सबका भाव 20-25% बढ़ चुका है। कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी जिसके ऊपर असर हुई है? स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स में ज्यादा असर हुई है और एक्सेसरी में तो फिर भी कम है। स्पेयर पार्ट में ज्यादा 20% भाव बढ़ चुका है। ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी चाइना में कोरोना वायरस फैल गया ना, तो उसके हिसाब से चाइना का माल आ ही नहीं रहा। लगभग हमारे उधर लगभग चाइना से 80-90% आना बंद हो गया। बॉम्बे बंद हो गया तो बॉम्बे के पास स्टॉक पड़ा है व्यापारी के पास, वो 15-20 दिन चलने वाला है और वो भी बाहर सीधा अभी 40-60% बढ़ा दिया उसने। कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो वहाँ से आती है और अभी फिलहाल नहीं आने के वजह से दिक्कतें आ रही है? वहाँ का है कोई डिस्प्ले, हमारा जो मोस्टली रहता है डिस्प्ले बॉम्बे उसमें रहता है। अभी रनिंग मॉडल है ओप्पो, एम आई, वीवो, सैमसंग उसमें होता है। और दूसरी बात एसएससी तो उसमें भी ऐसे ऐसे होने वाला है। एसएससी में भी बॉम्बे माल पड़ा है ना, महीने भर में खलास हो जाएगा। तो हमारे पास है, तो हमारे पास तो छोटे व्यापारी है, तो 15-20 दिन में हमारे लिए मिल जाएगा। अगर 15-20 दिन से ज़्यादा अगर ये मार्केट ऐसे चला तो क्या होगा? तो मार्केट का हालत और ख़राब होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सामान बेचने का नहीं रहेगा तो हम क्या बेचेंगे? मेन कंडीशन वही पड़ रही है, सामान ही नहीं मिल रहा है तो फिर बातें दिक्कत होने वाली है। ओवरऑल अगर वापी की बात की जाए, वापी में इतने सारी मोबाइल दुकानें हैं, अगर लाखों में बात की जाए तो कितने का टर्न ओवर होता होगा जो नुकसान में? अभी नुकसान तो कम से कम वापी में दुकान होगी तो छोटी मोटी होटल की दुकान होती है ना वापी खाली, वापी वापी इलाके में 500 से ऊपर दुकानें हैं तो कम से कम करोड़ों का नुकसान है ही ज़्यादा है। और चाइना से माल बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो व्यापारियों के पास पुराने स्टॉक थे वही स्टॉक वो लोग सेल कर रहे हैं और वो स्टॉक अभी सेल कर रहे हैं लेकिन उसमें भी अपने वो लोग रेट बढ़ा चुके हैं। अपने को जो माल चाहिए वो माल कंप्लीट मिल नहीं पा रहा, माल मिल भी रहा है तो 20-25% एक्स्ट्रा रेट देना पड़ रहा है अपने को। और जो ज़रूरत नया आइटम या कुछ ऐसा अपने को ऑर्डर में मंगाना होता है तो भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि चाइना बिल्कुल बंद पड़ा है। खास करके मार्केट की बात की जाए, पहले कितना धंधा होता था, अभी कितना धंधा हो रहा है? धंधा पहले 20-25 हज़ार रुपया काउंटर होता था, अभी तो 10,000-5,000 पे आ गया। स्थिति बहुत ख़राब है और बिल्कुल पब्लिक दिख नहीं रही है, मार्केट एकदम डाउन चल रहा है और खास करके चाइना से माल ना आने की वजह से और ख़राब स्थिति। अगर ऐसी कंडीशन रही तो आज के दिनों में क्या हो सकता है? अगर ऐसे ही कंडीशन रही तो महीने डेढ़ महीने बाद बहुत सी शॉप क्लोज हो जाएगी। छोटे और मीडियम जो क्लास के लोग हैं जिनकी शॉप है मीडियम क्लास की, वो लोग को बंद करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो चाइना से यहाँ पर आती है और बेचते हैं? मोबाइल खास करके बात की जाए मोबाइल के बारे में तो 99% पार्ट्स चाइना से ही आते हैं। मोबाइल के चाहे वो कवर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे बैटरी हो, बॉडी हो, डिस्प्ले हो, जो जो भी अपने को जरूरत पड़ता है मोबाइल के बारे में सब चाइना से ही माल आता है। और माल बिल्कुल आ नहीं पा रहा, जो पुराना स्टॉक था 15 दिन से वही माल आ रहा है, वही अपने को मिल पा रहा है और रेट अपने को जो पहले 10% मतलब पहले के हिसाब से 10% रेट बढ़ा के 15% लोग रेट ले रहे हैं। जो उनको रेट चाहिए उस हिसाब से अपने को रेट देना पड़ रहा है, फिर भी माल मिल लेकिन नहीं रहा है कम्प्लीट।